उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर टोल की लिमिट बढ़ा दी गई। उधम सिंह नगर जिले में जहां सरकार द्वारा गेहूं की फसल खरीद सरकारी कांटों के माध्यम से शुरू कर दी गई है, वहीं टोल केंद्रों पर किसानों की गेहूं की फसल प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल की लिमिट सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन उधम सिंह नगर में प्रति हेक्टेयर गेहूं की टोल लिमिट खेती के हिसाब से कम होने के कारण किसान बेहद परेशान थे। इसी बात को लेकर किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह ने सरकार व विभागीय मंत्री को उधम सिंह नगर जिले में किसानों के प्रति हेक्टेयर टोल की लिमिट को बढ़ाने का निवेदन किया था। किसानों की इस मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने प्रति हेक्टेयर 45 क्विंटल गेहूं खरीद के आदेश जारी कर दिए। राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह ने सरकार द्वारा किसानों की समस्या को देखते हुए प्रति हेक्टेयर 45 क्विंटल की लिमिट निर्धारित कर दी है और सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा उधम सिंह नगर जिले के लिए गेहूं के प्रति हेक्टेयर निर्धारित दर 30 क्विंटल बेहद कम थी, जिससे किसानों को अपनी फसल को बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने उधम सिंह नगर जिले के किसानों की समस्याओं को सरकार व विभागीय मंत्रालय तक पहुँचाया, जिसके बाद सरकार ने प्रति हेक्टेयर 45 क्विंटल की दर को निर्धारित कर दिया। राजपाल सिंह ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से उधम सिंह नगर के किसानों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। कृषि विभाग से रिपोर्ट जाती है, वो पूरे प्रदेश में जाती है और आकलन करके भेजा जाता है कि पूरे जो एवरेज जो गेहूँ की है या धान की है वो कितनी है। तो इस बार जब हमारे संज्ञान में आया कि 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की जो रिपोर्ट कृषि विभाग ने भेजी है, तो हमने तत्काल सरकार को ये लिखा और माननीय मंत्री जी को लिखा, संबंधित अधिकारियों को लिखा कि उधम सिंह नगर में जो गेहूं की प्रति हेक्टेयर की जो यील्ड है वो 50 से लेकर 70 क्विंटल तक होती है और अन्य जो जिले हैं जैसे नैनीताल, पिथौरागढ़ जहां गेहूं बहुत कम होती है, चंपावत, नैनीताल या हरिद्वार में गेहूं बहुत कम होती है क्योंकि गन्ने की खेती ज्यादा है, तो आकलन गलत हुआ। उधम सिंह नगर का आकलन अलग है, चंपावत का अलग है, नैनीताल का अलग है, तो इसलिए इसको बढ़ाया जाना ज्यादा उचित रहेगा। तो इस विषय को संज्ञान में लेते हुए मैंने तो 50 क्विंटल कहा था कि कम से कम 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का किया जाए, तो उन्होंने 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का कर दिया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी अपने अधिकारियों को इसके लिए बधाई दूंगा कि बहुत बड़ी चिंता आपने किसानों की खत्म की।